कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनकी वजह से जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, या कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए ताकि हम स्वर्ग में जा पाएं। तो इसका जो आंसर है, इसका उत्तर जो है बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते हैं गलातियों 5वां अध्याय, और उसमें जो है लिखा है, जब आप 19 और 20 आयत जब आप पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है आत्मिक रीति से जो है स्ट्रोंग होना चाहता है, तो फोकस करना है कि सबसे पहले तो ये जो बातें जो गलातियों 5वां अध्याय उसके 19, 20 और 21 आयत में जो लिखी हैं बातें, वो बातें हमारे जीवन से दूर हो जाएं, क्योंकि ऐसे ऐसी बातें करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, यानी कि स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी क्लियरली। तो ये सब बातें अगर किसी के जीवन में हैं, मैं एक बार दोबारा वचन को पढ़ देता हूँ। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो क्लियर और स्पष्ट रीति से संत पौलुस हमें इस बात को सिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो हमें अगर ऐसी कोई भी ऐसी बातें हैं हमारे जीवन में, और जो जिन इन बातों से जो है हम परमेश्वर को नाराज़ करते हैं, और वो सब बातें जो है पाप में गिनी जाती हैं, उन सब बातों से आज हम पश्चाताप करें, और पश्चाताप करके जो है हम मन फिराएं कि हम परमेश्वर से वाचा बांधने के, परमेश्वर ये बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी, अब हम इन बातों को नहीं करेंगे, और इन बातों को जो है दूर करने के लिए आप मेरे जीवन में काम कीजिए। आपको प्रार्थना करनी है अकेले में बैठ के कि परमेश्वर इन बातों को मैं अपने जीवन से दूर कर पाऊँ, जो है मेरे जीवन में आप कार्य कीजिए, मुझे जो है अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, और मैं इन सब बातों से मन फिराती हूँ, और मैं इन सब कार्यों को ना करूँ और आपके राज्य के वारिस हो जाओ। जब आपका राज्य है तो आप मेरी सुधि लेना। तो इस तरीके से जो आप प्रार्थना कीजिए। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो सकती हैं बाइबल से रिलेटेड, स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ आप हमें शेयर कीजिए। आपके लिए जो है, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो व्हाट्सएप पे आपको जो है इसका आंसर दिया जाएगा, और आपके लिए प्रेयर की जाएगी। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपके लिए प्रेयर की जाएगी इस नंबर पर जो आपको, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, इस नंबर पर जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी फैमिली के लिए समस्या और परेशानी में प्रार्थना करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर आपको दिखता है उस पर आप मैसेज भेजिए, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। मे गॉड ब्लेस यू।